हाय दोस्तों भाई, कैसे हो? देखो नए वीडियो के साथ दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी डायरेक्ट अपने डेस्कटॉप पर कोई भी फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कोई भी फाइल बनाना चाहते हैं, तो कैसे बना सकते हो भी शॉर्टकट की से दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से देखना भाई। ये 2 मिनट की वीडियो अगर आप देख लेते हो तो भाई 2 मिनट के अंदर आपको थोड़ा नॉलेज तो भाई जरूर हो जाएगा, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो पसंद आए तो भाई दिल से लाइक करना, मन से कमेंट करना, प्यार से भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई आपको सोशल मीडिया का नया नया अपडेट्स एंड कंप्यूटर से नया नया टिप्स एंड शॉर्टकट की आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिलता है। यहाँ दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की, यहाँ पे आप लोग देख लो डायरेक्ट। तो भाई मैं इस फाइल को फटाफट पहले करता हूँ ओपन। भाई यहाँ पर आपको ये फाइल दिख रही है कुछ इस प्रकार दोस्तों। अब मैं इस फाइल को करता हूँ कट। वैसे मैं इस फाइल को करता हूँ कट। अब कट करने में दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये फाइल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो डायरेक्ट अपने डेस्कटॉप पर। दोस्तों उसके लिए अपने कीवर्ड से क्या करना है, आपको कंट्रोल दबाना है, प्लस शिफ्ट, उसके साथ आपको एन दबाना है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ऊपर आपको फोल्डर नजर आ रहा है, क्या दबाना है? कंट्रोल के साथ शिफ्ट, उसके साथ आपको एन दबाना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन आपको साथ में प्रेस करना है। दबाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका एक फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है न्यू फोल्डर। तो फोल्डर आप इस हिसाब से दोस्तों, अब आप इसको कौन से नाम से बनाना चाहते हो, नाम आप आपको ऐसे मेरा नाम अपना नाम लिख देता हूँ भाई HARSHIT। मैंने इसको लिख दिया एंड लिखने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे कर दिया इंटर। दोस्तों ये पूरी तरह से मेरा फाइल क्रिएट हो चुका। अब दोस्तों अब यहाँ पर हमको सेव करना चाहते हैं तो कैसे सेव कर सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये आपको दिखा है रिज्यूम, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब थोड़ा सा आपको वेट करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये आपको अब ये हम अपने जब हमने एक नया फोल्डर क्रिएट किया उसमें सेव करना है, तो उसके लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है एक सेव करने का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे ऊपर आप जिस नाम से अपना फोल्डर क्रिएट किए होंगे यहाँ पे आपका नाम से हो जाएगा। यहाँ पे मेरा नाम सबसे ऊपर से हो रहा है, हर से यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सबसे नीचे आपको यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेव करने का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दो, क्लिक करेंगे दोस्तों आपका यहाँ पे फाइल में यानी कि उस फाइल में सेव हो चुका है। मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख रहे फोल्डर पहुँच गया, इसमें इस फोल्डर में आपका रिज्यूम पूरी तरह से सेव हो चुका है। मैं इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख रहे हो भाई रिज्यूम यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे दोस्तों ये इस प्रकार ओपन हो जाएगा भाई। इस प्रकार में कि अपने डेस्कटॉप पर डायरेक्ट कोई भी आप फोल्डर यानी कि फाइल क्रिएट कर सकते हो आसान तरीके से शॉर्टकट की से। तो भाई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कोई भी डाउट हो उसके लिए भी कमेंट करना, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक दोस्तों जय हिंद, ठीक है, रखना ख्याल रखना।